हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब हम हल संधि में चल रहे हैं और हल संधि का यह दूसरा भाग होने वाला है। कौन सा नंबर का भाग? दूसरा भाग। इससे पहले स्वर संधि को हमने लगभग पूरी स्वर संधि को 16 भाग में समाप्त किया है और लगभग 15 भाग लगेंगे इस हल संधि को भी समाप्त करने में, तो उसका यह दूसरा भाग है। इसमें हम कल जो हमने तीन सूत्र पढ़े थे, एक स्तोह चुना स्चुह, फिर दूसरा था शात और तीसरा ष्टुना ष्टुह। अब अष्टाध्यायी में इन तीनों के संदर्भ को आप देखेंगे तो ष्टुना ष्टुह के तुरंत बाद वाला जो सूत्र है वह सूत्र अब हमें पढ़ना है, न पदांतात टोरानाम। ष्टुनाष्टुः कितना नंबर पे था? 8, 4, 41। अष्टाध्यायी में यदि आप संदर्भ, आपके पास अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक नहीं है, जो लोग यूट्यूब प्रसारण तंत्र के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों के पास यदि अष्टाध्यायी पुस्तक नहीं है तो आप यहाँ नंबर देख लीजिए, 8, 4, 41, 8, 4, 42 है ना, यानी ष्टुनाष्टुः के तुरंत बाद है। अब ष्टुनाष्टुः में एक शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी, किसकी अनुवृत्ति आ रही थी ष्टुनाष्टुः में? स्तोह ष्टुनाष्टुः की स्तोह की अनुवृत्ति आ रही थी खाली, ठीक, स्तोह। तो अब देखिए यहां स्तोह ष्टुनाष्टुः से मान लीजिए स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक, और ष्टुनाष्टुः से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक, ये बन गया पूरा सूत्र, पूरा सूत्र इसे बन गया, ठीक, प्रसंग बस ऐसे ये पूरा सूत्र मिल गया, ठीक। देख लीजिए पदांतात टोह स्तोह ष्टुनाष्टुः न, पदांतात टोह स्तोह ष्टुनाष्टुः न। देखिए ष्टुनाष्टुः नियम आपने पढ़ा कि सकार या तवर्ग का, छोटे वालों का, जो छोटे भाई थे कल बताया था ना, जो छोटे वाले हैं उनका यदि सकार या टवर्ग के साथ संयोग होता है, चाहे पहले चाहे बाद में, तो सकार और तवर्ग जो छोटे वाले हैं वो बड़े के रूप में बदल जाते हैं, है ना, उनमें भी बड़प्पन आ जाता है। तो बड़ों के साथ बैठने से बड़प्पन आ जाता है ना सब में, तो बड़े लोगों से ज़्यादा संबंध बनाते रहिए, बड़प्पन आप में भी आएगा। तो सकार और तवर्ग ये जो छोटे छोटे वाले हैं ना, सबसे नीचे सबसे छोटा वाला वर्ग, वर्गों में भी देखेंगे तो चवर्ग टवर्ग के बाद तवर्ग आता है, यानी छोटा वाला वर्ग है, और तीनों स में भी सबसे छोटा वाला स उसी को कहते हैं ना। तो ये जो छोटा वाला स है यह अपने से बड़ों के साथ बैठेगा तो जिसके साथ बैठेगा वैसा वाला स्वभाव ले लेगा, ठीक है। ये स्तोह ष्टुनाष्टुः और ष्टुनाष्टुः इन दोनों नियमों को हमने समझा था इस तरह से। अब क्या कह रहा है इस सूत्र में, क्या कहा जा रहा है ये समझिएगा। यदि पद का अंतिम वर्ण टवर्ग हो, पदांतात टोह, इस सूत्र को तोड़ देते हैं पहले, इस सूत्र का क्या कर देते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, तो न पदांतात, न पदांतात टोह। अब बताइए पदांतात टोह में भी यहां भी ता जो है ना यह अपने बड़े के साथ आया है, तो इस ता में बड़प्पन आ जाएगा ष्टुनाष्टुः नियम के आधार पे, तो पदांता टोह बन गया है, त को ट बन गया है, ठीक। ष्टुनाष्टुः नियम को रोकने के लिए जो नियम आ रहा है उस नियम में खुद ष्टुनाष्टुः लगा हुआ है, आप सोचिए है ना। तो ष्टुनाष्टुः को रोकने ही तो आ रहा है न ष्टुनाष्टुः, ष्टुनाष्टुः नहीं होगा कब, यदि पदांत टोह का मतलब क्या होता है, टोह मतलब ये देख लीजिए, जैसे भानु शब्द का भानोह बन जाता है, गुरु शब्द का गुरोह बन जाता है, वैसे टू शब्द का टोह
टू, यहां क्या है टू, अब टू कहा गया है तो टू से किसका बोध होगा, टठ डढ़ण अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, उदित का प्रयोग हुआ हो, ऊ के साथ प्रयोग हुआ हो तो अपने पूरे सवर्णों का ग्रहण कर लेता है, तो टठ डढ़ण पूरे का ग्रहण होगा टू से। तो पदांत के रूप में टू आता हो, क्या आता हो टू, टू यानी टवर्ग, टवर्ग यानी टठ डढ़ण, यानी ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में टठ डढ़ण आता हो। सामान्य नियम से मैं बता दूं तो हल संधि जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आप यह इतना जान जाएंगे कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ये वाला और ये वाला आएगा ही नहीं, किसी भी शब्द के अंत में ये दो वर्ण आएंगे ही नहीं संस्कृत में किसी भी शब्द के अंत में। अब आप कहें कैसे कह रहे हैं गुरुजी, तो हम आपको बता दें क्योंकि ये दो दो झल वर्ण हैं, है ना, झल है। सामान्यतः आप देख लीजिए, इस इधर मैं बता दूं ये चार वर्ण है, ट ठ ड ढ, है ना, एक ले लीजिए ण, इनमें से झल कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे झल में हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है, झ घ ध झ ग ढ ध, देखिए झ घ ढ ध ढ आ गया, है ना, जब ग ड द ड आ गया, फिर ख फ छ ठ ठ थ च ट त त ई च ट त ट आ गया। तो झल प्रत्याहार में इतने वर्ण आ जाते हैं, ना तो आता नहीं है झल में क्योंकि वह झभय से पहले ही यमगणम सूत्र में आ जाता है। झल यदि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में आते हों तो झलाम जशोन्ते नियम लग जाता है, उसके स्थान पर जश हो जाता है, यानी ट ठ ड ढ कुछ भी हो अगर शब्द का अंतिम वर्ण तो उसके स्थान पर ड हो जाएगा। नियमतः नियम तो झलान जशोन्ते यही कहता है, पद का अंतिम वर्ण झल हो तो उसके स्थान पर जश हो जाता है, यानी कि ठ और ढ कुछ आएगा ही नहीं, जश मतलब जब ग ड त में से कोई हो जाएगा तो ड ही अंतिम वर्ण के रूप में शब्द क्यों मिलेगा। आप कहेंगे इटा का है क्योंकि वावसाने, अवसान में जो वर्ग का तीसरा वर्ण है उसके स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का पहला वर्ण भी हो जाता है, ठीक, तो उसी वर्ग का जैसे षट षट दोनों प्रयोग, उत उद दोनों प्रयोग मिलता है, वाच वाक दोनों, ये नहीं क्या कहते हैं वो वाला नहीं जो जहां भी दो, सत सद दोनों है, रामात रामाद त और द ही मिलेंगे, है ना। तो हर एक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण ही शब्द के अंतिम वर्ण में, शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में यदि कोई वर्गीय व्यंजन है तो वह किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण नहीं हो सकता, या तो वह तीसरा रहेगा झलाम जशोन्ते से जश होकर, या तो वह वावसाने से चर्त होकर उसी शब्द का पहला वर्ण रहेगा, अंतिम वर्ण के रूप में दूसरे और चौथे वर्ण आ ही नहीं सकते, ठीक। ये इतना बात निष्कर्ष समझे ना, झलाम जशोन्ते नियम आगे समझ में आए, आज हो सकता है वो भी नियम आ जाए, इसके बाद ये जब खत्म होगा नपदांता टोरनाम तोहसी के बाद शायद वही नियम आएगा, झलाम जशोन्ते वही है ना। तो शब्द का अंतिम वर्ण झल हो मतलब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण उसके स्थान पे हो जाता है, अब आ भी गया यदि किसी कारणवश तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा आ जाना है, और तीसरा जो आया उसी के स्थान पर विकल्प से पहला भी हो जाएगा, वा अवसाने वा अवसाने, ठीक स्पष्ट है। तो अब इतनी बात हो गई, यानी निष्कर्ष न पदांता टोह का मतलब क्या हुआ, पदांत यदि टवर्ग हो, पदांत टवर्ग हो यानी पद के अंत में आने वाला टवर्ग का कोई वर्ण हो, यानी या तो ट रहेगा या तो ड रहेगा या तो णा रहेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं रहेगा पद का अंतिम वर्ण, बीच में आ सकते हैं ठ, षष्ठ में ठ आ गया पर वह बीच में पद का अंतिम वर्ण नहीं है, षष्ठा में अंतिम वर्ण अ है ना,
पद के अंतिम वर्ण के रूप में दूसरा और चौथा वर्ण नहीं आएगा कभी भी वर्ग का, ये इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ट ड और ण ही पद का अंतिम वर्ण रहे यदि, यह पदांता टोह का मतलब हो गया। किसी भी पद का, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण ट ड या ण हो, यानी टवर्ग हो, तो उसके बाद आने वाले पदांतात में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी लगी है ना, टोह में भी पंचमी ही लगी, पदांतात टोह, पदांतात टोह, ये दोनों विशेष विशेषण है। जो पदांत टवर्ग है, पदांत यानी शब्द का अंतिम वर्ण टवर्ग है, तो पंचमी लगी हुई हो तो कार्य किसके बाद, किसके स्थान पर होगा? उसके बाद वाले के स्थान पर होगा ना, तस्माद इत्युत्तरस्य, इस नियम के आधार पर, ठीक है। तो हुआ क्या, जो टवर्ग के बाद आ रहा हो सकार या तवर्ग, शब्द का अंतिम वर्ण टवर्ग हो, उसके तुरंत बाद आ रहा हो सकार या तवर्ग स या तथा दधन, तो उसको शकार टवर्ग के योग होने पर शकार और टवर्ग नहीं होता, शकार और टवर्ग नहीं होता न, ठीक। सामान्य नियम के तहत यदि देखा जाए, सामान्य दृष्टि नियम के यदि आलोक में देखा जाए, उसको देखा जाए, तो उस क्या कहा जाएगा, श्टुनाष्टुः यह नियम लग जाना चाहिए, है ना, श्टुनाष्टुः नियम लग जाना चाहिए, पर श्टुनाष्टुः नियम नहीं लगेगा। कब? यदि पदांत टवर्ग हो, शब्द का अंतिम वर्ण टवर्ग हो और उसके तुरंत बाद सकार या तवर्ग आ रहा हो, तो उसको श्टुत्व नहीं होता। पर एक बात और कह दी, अनाम, अनाम मतलब नाम शब्द नहीं होना चाहिए, नाम शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे ये नाम है, इधर मान लीजिए हो जाता षट, तो पद का अंतिम वर्ण षट है, उसके तुरंत बाद नाम है, ठीक, षट है और नाम है, तो षट ये क्या है, पद का अंतिम वर्ण है। आप कहेंगे पद का अंतिम वर्ण कैसे है, वो हम आपको जब अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्य में वार्तिक समझाएंगे तब बता देंगे, ठीक। षट मान लीजिए एक पद है, अभी खाली कहने के कारण मान लीजिए क्यों है वो हम समझा देंगे, ठीक है। षट एक पद है, उसके तुरंत बाद नाम आ रहा है, तो क्या कहा, पदांत टवर्ग है, उसके तुरंत बाद सकार या तवर्ग में से कुछ आए तो श्टुत्व नहीं होता, पर नाम शब्द को छोड़कर, अनाम मतलब नाम शब्द को छोड़कर, यानी नाम शब्द है तब तो श्टुत्व हो ही जाएगा, तब लग जाएगा, तब श्टुत्व हो जाएगा। नाम को छोड़कर, अनाम, अनाम मतलब नाम को छोड़कर जो पदांत टवर्ग के बाद आने वाला सकार या तवर्ग है उसको श्टुत्व नहीं होता, ठीक। सकार या तवर्ग आना चाहिए पर वह नाम वाला ना हो, ठीक, तो श्टुत्व नहीं होगा। उदाहरणों से देखते हैं, ये देख लीजिए, पदांतात, पदांत के बाद आने वाले टवर्ग के, पदांत टवर्ग के बाद आने वाले अनामह यानी नाम से भिन्न का सकार तवर्ग का श्टुत्व नहीं होता। जैसे अब देख लीजिए उदाहरण क्या देंगे, यहां मैं लिखता हूं, ये इसको हटा करके यहां लिख देता हूं, षट और संतः, षट संतः, यहां बहुत सारे संत हैं बैठे हैं ना, बहुत सारे संत, लेकिन कहीं मान लीजिए छह संत बैठे होते तो षट संतः, ठीक, षट संतः। अब आजकल संत शब्द प्रयोग करते हैं लोग, ये संत हैं, ये महंत हैं, पर शुद्ध रूप से मूल शब्द क्या है, सन है, सत, सत, अस धातु से सत्री प्रत्यय लगकर बनता है सत, उसी का सन, संतौ, संतः, ऐसा रूप चलता है, ठीक है। तो ये जो है संतः, ये बहुवचन है, ऐसा मत सोचिएगा कि संताह होना चाहिए, ठीक, यही संतः बहुवचन है, जैसे भवंतः बनता है ना, वैसे ही स्नसोर लोपः से अस धातु के अ का लोप हो गया है, अस धातु खाली बचा है स,
अस धातु का खाली क्या बचा, स। उसी में जैसे भवान भवंत भवंता में अंत है, वही स का अंत जुड़ गया स में, ठीक, संत। तो षट संत, षट संत, छह संत है, छह सज्जन है, छह सज्जन। तो अब यहां क्या है, पदांत टवर्ग है कि नहीं, षट एक अलग पद है, संत एक अलग पद है, विशेष विशेषण है दोनों एक दूसरे, ठीक। तो षट एक पट लिख दिया है तो गलती से, आप सब बोल भी नहीं रहे, पट को षट पढ़े जा रहे हैं और आप सब पढ़ चलिए। तो षट और संत है, षट एक शब्द है कि नहीं स्वतंत्र रूप से, वहां पदांत पद का अंतिम वर्ण टवर्ग है कि नहीं, पदांत टवर्ग हो उसके तुरंत बाद स या तवर्ग आ रहा हो तो स्टुत्व नहीं होता। सामान्य नियम जो स्टुना स्टुह आपने नियम पढ़ा था, उस नियम के आधार पर शकार या टवर्ग के साथ इस सकार का योग है, इसलिए इस सकार के स्थान पर ये वाला शकार हो जाना चाहिए था, है ना। सामान्य नियम जो आपने पढ़ा उसके आधार पर यह संतह बन जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था ना, पर नहीं बनेगा, क्यों, न पदांतात। ये पदांत टवर्ग है, उसके तुरंत बाद सकार या तवर्ग आ रहा है तो उसको स्टुत यानी शकार या टवर्ग नहीं होगा, तो यह अपने बड़े वाले का गुण नहीं लेगा, क्योंकि वो बड़ा वाला किसी शब्द का अंतिम वर्ण बन गया था, किसी शब्द का अंतिम वर्ण बन गया था, बड़ा था तो उसका अंतिम में आ जाने के कारण बड़प्पन नहीं रह गया उसका, है ना। तो इसलिए ये छोटे वाले उस बड़े का गुण ग्रहण नहीं करते, कहते तुम खुद ही अंतिम में चल रहे हो, हम काहे अंतिम में जाएं, हम तो पहले अक्षर हैं, है ना। तो ये फिर स्वरूप अपना नहीं बदलेगा, ठीक है, ये संतह का स वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, षट संतह। सामान्य नियम के आधार पर षट संतह हो जाना चाहिए था, मूर्धन्य हो जाना चाहिए था, पर नहीं होगा। न पदांता टोर अनाम, ये नाम से भिन्न भी है ना, संत थोड़े ना नाम है, नाम प्रत्यय वो जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम प्रत्यय लगता है, नुट आगम होकर जो बनता है नाम वही, ठीक। अब देखिएगा ये हो जाएगा, हाँ, न पदांता टोर अनाम। अब यहां क्या हो गया, यहां समझिएगा, एक उदाहरण क्या दे दिया, षट संतह दिया, षट संतह बना दिया। दूसरा उदाहरण क्या दिया, षट ते, क्या उदाहरण दिया, षट ते, ठीक। अब यहां देखिए, ध्यान से यही देख लीजिए, पदांत टवर्ग है कि नहीं, षट एक पद है, उसका अंतिम वर्ण है टा, तो पद का अंतिम वर्ण टा है, उसके तुरंत बाद सकार या तवर्ग, वो जो छे छोटे वाले भाई लोग हैं वो है ना, यहाँ छे में से कोई एक है, तवर्ग सकार या तवर्ग में से कोई एक है, तो इस टा के जगह पे टा हो जाना चाहिए था, षट टे हो जाता, षट टे, है ना, पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पदांत टवर्ग के बाद नाम से भिन्न सकार या तवर्ग आता हो तो उसको स्टुत्व नहीं होता, नहीं होगा, स्टुनाष्टुह नियम नहीं लग पाएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद अब प्रश्न पूछा, षट ते षट, यही इतने उदाहरण दे रहे हैं ना, यहां और उदाहरण भी है, और उदाहरण मैं बता देता हूं, षट तरंति, षट तरंति, सरयू जी है ना, सरयू जी में किसी घाट पे छह लोग तैर रहे हैं, तुम क्या कहेंगे, षट तरंति, कति तरंति, षट तरंति। तो षट एक पद है, पद का अंतिम वर्ण टवर्ग है, पदांत टवर्ग होने के कारण फिर वहां तरंत जो है
है ना, तो हो जाएगा, नहीं तो टरंती हो जाता है, टरंती टर टर मेढक वाली बात आ जाने लग जाती। ठीक, अब अच्छा उसी तरह चलिए मान लीजिए हमारे पास 6 रुपया है, नहीं अभी तो नहीं है, अभी खाली है, हाँ कुर्ता बदल दिए इसलिए जेब खाली है। तो मान लीजिए हमारे पास 6 रुपया है, हम 6 रुपये किसी को दे रहे हैं तो कह देंगे षट ददामी। ठीक, क्या कहेंगे? षट ददामी। अब षट में टवर्ग है कि नहीं पदांत? पदांत टवर्ग है ना, अब पदांत टवर्ग होने के साथ साथ उसके तुरंत बाद सकार या तवर्ग में से तुरंत कोई है द, है ना, तो हो जाना चाहिए था स्टुनाष्टुह नियम के आधार पर द के जगह पर ड हो जाना चाहिए था, है ना, क्या हो जाता? षड्डामी, षड्डामी, है ना, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पदांत टवर्ग है, उसके तुरंत बाद यदि सकार या तवर्ग का कुछ आता हो नाम से भिन्न वाला तो वहां पर स्तुत्व नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको कुछ और उदाहरण देते हैं। षट, 6 ही लोगों को लेंगे बार बार, ठीक, या और कोई शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें अंतिम में टा आता हो, है ना, खट अनुकृत शब्द हो जाएगा, खट, जैसे यहां से क्या आया आवाज, आवाज आई ना खट, तो ये जो खट आवाज है इसी के अनुकरण करके अनुकृत शब्द भी बनता है ना, प्रयोग होता है। ऐसे उत्पीठिका खट इति करोति, है ना, खडिति करोति, ऐसा कह सकते हैं। तो वो खट जो है अच्छा ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे उदाहरण। तो षट धावंती, षट धन धावंती होता तो षट धावंती हो जाता। वहां क्या है, वहां छलांत सुनते भी नियम लग जाएगा, ट के जगह पे ड हो जाएगा। आप कहेंगे षट ते में ट को ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुरंत बाद में यदि खर है तो खरीच नियम लगेगा, वावसाने नहीं लगेगा, तो खरीच कहेगा नहीं, ये चर ही रहेगा, वर्ग का पहला वर्ण ही रहेगा। यदि उसके तुरंत बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण दिखाई पड़े तो वो शब्द का अंतिम वर्ण भी वर्ग का पहला वर्ण ही रहेगा। ठीक, कहीं भी अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण दिखाई पड़ रहा है, मतलब खर दिखाई पड़ रहा है, पहला दूसरा और दिखाई पड़ रहा है, तो उसके पहले आने वाला वर्ण भी किसी वर्ग का पहला वर्ण ही रहेगा शब्द। ठीक, तो परंतु यही ते ना होता, धावंती होता तो ये ड बन जाता, ड बन जाता, षड धावंती, षड धावंती, ड हो जाता तो भी पदांत टवर्ग है ही, पद का अंतिम वर्ण टवर्ग ही है, या तो ट मिलेगा या तो ड मिलेगा, षट मिलेगा या तो षड मिलेगा, तो ट है या ड है, उसके तुरंत बाद आने वाले धावंती के धा को ढ नहीं हो पाएगा, स्तुत्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण हमने दे दिए। अब आगे देखिए थोड़ा सा कुछ उदाहरण और देते हैं हम अनाम वाला। ठीक, देखिएगा होता क्या है, षट शब्द कितने वचन में प्रयोग होता है इसका, षट शब्द जो है इसका किस वचन में प्रयोग होगा? बहुवचन में, क्योंकि षट एक थोड़े ना होता है, बहुत सारा होता है ना, तो षट का बहुवचन में प्रयोग होगा। अगर 6 लोगों का ऐसा हमें कहना है तो कौन सा विभक्ति लगेगा? षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का हमने आम प्रत्यय किया, कौन सा प्रत्यय किया? आम, षट आम, षट आम। अब एक नियम है षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च, षट और चतुर, षट और चतुर शब्द के बाद आने वाले आम को नुट आगम हो जाता है। ठीक, वैसे ह्रस्व नद्यापो नुट शब्द भी एक सूत्र है,
कि शब्द का अंतिम वर्ण या तो ह्रस्व हो, या तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग यानी नदी संगक शब्द हो, या दीर्घ आकारांत रमा नदी पार्वती लता आ अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, या ई अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, या ह्रस्व शब्द हो, ह्रस्वांत ह्रस्व स्वर वर्ण जिसके अंत में आते हो ऐसा शब्द हो, तो उसके बाद आने वाले आम को नुट आगम हो जाता है, ऐसा भी नियम है। पर यहां वो नियम नहीं लगेगा क्योंकि यहां ह्रस्व नहीं है, ना तो नदी है ना तो आप है, ह्रस्व नद्यापो नुट नहीं लगेगा। यहां षट चतुर्भ्यश्च नियम से षट, उसके सिवाय षट और चतुर शब्द को भी, षट और चतुर शब्द के बाद भी आने वाले आम प्रत्यय को नुट हो जाया करता है। तो नुट आगम आम के बाद में जुड़ेगा कि पहले जुड़ेगा? पहले जुड़ेगा आद्यंतौ टकितौ। ठीक, ट की संज्ञा वाला जो भी आगम है वह आदि में जुड़ता है, क की संज्ञा वाला जो आगम है वह अंत में जुड़ता है, आद्यंतौ टकितौ ऐसा नियम है। अगर जो आगम हो रहा है जैसे देख लीजिए नुट है, ठीक नुट है, और एक आगम नुक भी है, नुगतो नुआंशिकांतस्य, वह जब आप यंगलुक प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। एक नुट है एक नुक है, इन दोनों आगमों में अंतर यह है कि यह क वाला है, ये आगम हुआ होता तो जिसको आगम हो रहा उसके पीछे जुड़ेगा, ये आगम है तो यह आगम जिसको होगा उसके पहले जुड़ेगा। अभी आगे आप शीतुक पढ़ेंगे, तुक तुक आगम वो क वाला है, वो जहां आगम होगा उसके बाद में जुड़ेगा। ठीक, स्पष्ट है? तो नुट आगम जो होगा वह आम के पहले जुड़ गया। ठीक, आगम किसको हुआ? आम को। षट चतुर्भ्य परस्यामो नुडागम, षट और चतुर के बाद आने वाले आम को नुट आगम हो जाता है। तो आम को नुट आगम हुआ यानी आम से पहले न जुड़ गया, नुट में से न ही बचता है। ठीक, क्या बचता है? न। तो अब यह जो नाम है ना, आम और आ और न जुड़कर, न और आ जुड़कर नाम बन गया। ठीक, क्या बन गया? नाम। इसको जोड़ के हम ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे षट नाम। इस सूत्र में जो अनाम बात कही गई है इसी नाम की बात की गई है। अब आप कहेंगे एक बात कि गुरुजी आप कहते हैं कि पद का अंतिम वर्ण टवर्ग होना चाहिए, है ना? आप कहेंगे पद का अंतिम वर्ण टवर्ग होना चाहिए, यहां तो टवर्ग पद का अंतिम वर्ण नहीं है, आप ऐसा कहना चाहेंगे, आपके मन में ये बात आएगी ना? हाँ, तो यहां आपके मन में, कुछ लोगों के मन में ऐसी बात आएगी कि अभी तो सु औजस अमौट सष्टाभ्याम विस्भ्याम भ्यस्क सिभ्याम भ्यस्क सो साम गियो सुप, ये प्रत्यय लगकर जो बनता है वह पद होता है, यानी षट में नाम जुड़कर जो बनेगा षणनाम वह पद होगा, षट तो पद है नहीं, ऐसा आपके मन में एक बात आएगी कि नहीं? पर पद संज्ञा करने के लिए केवल एक ही सूत्र नहीं है, सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा करने के लिए और भी सूत्र हैं। सुप्तिगंतम पदम के बाद अष्टाध्यायी में निकालेंगे तो आपको 1417 या 16 नंबर पे, 1417 नंबर पे मिल जाएगा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, मिला स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। वो कहता सु आदि प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा ये यचिभम का, ये यचिभम और इसमें ही थोड़ा विवेक होना चाहिए, बहुत सारे लोग भ्रांत हो जाते हैं। सु आदि प्रत्यय, सु आदि प्रत्यय जो हैं यानी सु से लेके कप तक के प्रत्यय, चौथे और पांचवें अध्याय में बताए हुए प्रत्यय, तो सु आदि प्रत्ययों में जिस प्रत्यय का असर्वनाम स्थान, प्रत्ययों में सु आदि में यानी सु औजस अम आउट को छोड़कर जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों में जिन प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है, जिन प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है उससे पहले आने वाले की भी पद संज्ञा हो जाया करती है। ठीक, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने का मतलब यह, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है, अब जैसे षट औ, ये क्या होता, षट धन टा होता, टा में से आ बचता है, षट धन आ, टा तो होता ही नहीं प्रत्यय, पहली बात है ना, टा प्रत्यय तो लगता ही नहीं, पर षट धन
कोई भी प्रत्यय इसके बाद लगेगा, चाहे शस शट धन शस होता है, शस में से बचता क्या अस। तो उसका पहला अंतिम वर्ण क्या है, उस प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है। पर यदि भीष है, भ्यस है, भ्यस है, फिर उसके बाद आम और सुप, ये सभी प्रत्यय हैं, तो इनका पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है। आप कहेंगे आम का पहला वर्ण व्यंजन कैसे हुआ गुरुजी? तो एक नियम है, परिभाषा है, यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। परिभाषेन्दु शेखर में लगभग 11-12 नंबर पर वो परिभाषा मिलेगी, देख लीजिएगा। यदागमास तद्गुणी भूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। जो आगम होता है ना, जो आगम होता है वह उसी का गुण बन जाता है। जैसे अब आगम हुआ आम को, आगम किसको हुआ आम को, किसका आगम हुआ नुट का, नुट का आगम हुआ आम को, तो यह जो नुट आया यह आम का ही अंग बन जाएगा। नुट जो आया यह आम का ही अंग बन जाएगा, आम के ग्रहण से नाम का ग्रहण होगा। तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, जो आगम हुआ है वह उसके ग्रहण से गृहित हो जाता है। तो यहां प्रत्यय आम नहीं बचा, अब प्रत्यय नाम हो गया है ना, प्रत्यय नाम है, तो उसका पहला वर्ण व्यंजन है। ठीक, तो प्रत्यय का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, परिभाषेन्दु शेखर में कंफर्म कर रहे हैं, कहां पे है यदागमास तद्गुणी भूता परिभाषा, उसको यदागम परिभाषा कहते हैं, देख लीजिए 11 से 15 के बीच में मिलेगी। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, ठीक है तब हम ठीक हैं। तो कभी कभी ऐसे नंबर वाला तुक्का लग जाता है। तो यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, इस परिभाषा से के आधार पर जो भी आगम हुआ है वह जिसको हुआ है उसी का अंग बन जाता है, और उसी के ग्रहण से आगम का भी ग्रहण हो जाया करता है। तो आम के ग्रहण से नुट का भी ग्रहण होगा, यानी वह आम आम नहीं बचा, वह आम नाम हो चुका है। ठीक, तो प्रत्यय का पहला वर्ण या और अच से भिन्न हो, प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच से भिन्न हो, प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच होगा तो यचि भम से भ संज्ञा हो जाती, तब पद संज्ञा नहीं होती। प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच से भिन्न हो, यानी या के सिवाय कोई दूसरा व्यंजन हो, तो उससे पहले आने वाले की भी पद संज्ञा हो जाया करती है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, यह नियम। पर धातु में नहीं, आप ऐसे मत सोचने लगिएगा कि भू है और इसके बाद तस प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है या के सिवाय, हम इसकी भू की भी पद संज्ञा कर ले, ऐसा नहीं। सु आदि प्रत्ययों की बात चल रही है यहां, यानी चौथे अध्याय के प्रत्ययों की बात चल रही है, यानी प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्ययों की बात चल रही है। ठीक, सु आदि प्रत्यय कहां पर हैं, जो प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों की बात नहीं चल रही है यहां। ठीक है, प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्यय जिनका पहला वर्ण चाहे वह तद्धित हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह सुप हो, सुप स्त्री और तद्धित, यही तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय में भी पहला अक्षर यदि व्यंजन मिल जाए और तद्धित प्रत्यय में भी पहला अक्षर यदि व्यंजन मिल जाए, ती प्रत्यय है यूरस्ती, स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय, उसका भी पहला अक्षर व्यंजन मिल रहा है, तो उससे पहले जो कुछ भी है उसकी पद संज्ञा हो जाती है। ठीक, ये बात स्पष्ट है। तो आने उससे पहले आने वाले की पद संज्ञा होती है, स्पष्ट है। अब इसके बाद यहां बात समझिएगा, तो ये हो गया पद, अब पद का अंतिम वर्ण टवर्ग है कि नहीं, पद का अंतिम वर्ण टवर्ग है कि नहीं है, और उसके तुरंत बाद तवर्ग है, सकार या तवर्ग में से कुछ है, तो पदांतात टोह, पदांत टवर्ग के बाद आने वाले सकार तवर्ग के स्थान पर टुत्व नहीं होता, यह न पदांता टोह ने कहा
तभी उसी सूत्र में भगवान पाणिनि जी ने कह दिया अनाम, नाम को छोड़ दीजिए, नाम के सिवाय कोई पदांत टवर्ग के बाद आने वाला सकार तवर्ग होना चाहिए, यह तो नाम है। तो यहां अष्टुत्व का निषेध नहीं होगा तो न को क्या बन जाएगा, न के स्थान पर हो जाएगा णा, षट नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां क्या होता है, अब इसके बाद यहां पर अनुनासिक के तुरंत पहले आने वाले यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है, तट्टा के जगह पर भी उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा ना हो जाएगा। ठीक, वह आगे नियम पढ़ेंगे आप, आगे कितने आगे आएगा देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा मिलेगा आपको नियम। ये क्या कहते हैं, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ठीक। तो उसके आधार पर यहां क्या हो जाएगा, पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसी सूत्र में विकल्प की बात कही गई है ना, यहां विकल्प वाली बात नहीं चलेगी, यहां प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक से तुरंत बाद में प्रत्यय हो या भाषा हो, प्रत्यय भाषा नहीं, भाषा का संस्कृत लौकिक भाषा में यदि तुरंत पर में प्रत्यय हो, प्रत्यय का टवर्ग हो तो प्रत्यय का अनुनासिक हो, प्रत्यय का अनुनासिक हो तो उससे पहले आने वाले यर के स्थान पर, यर मतलब हा को छोड़कर सभी व्यंजन, हा को छोड़कर सभी व्यंजन, उस यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाया करता है। तो टा के स्थान पर अनुनासिक होगा क्या होगा, टा के स्थान पर उसी का सवर्ण अनुनासिक होगा ना, टा ठा ढा में से कोई होगा ना हो जाएगा, टा के जगह पर भी ना हो जाएगा, बन जाएगा षण, ठीक, ऐसा वाला बन जाएगा, ये रहा, ठीक बना। अच्छा, यहां पर एक दो प्रश्न भी पूछा गया है, उस पर उन प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। एक प्रश्न क्या पूछा, पदांतात किम, कि भाई पदांतात टोर नाम में पदांतात क्यों कहा गया, ठीक, पदांत क्यों कहा गया, तो पदांत यदि न कहते तो क्या दिक्कत आती, क्या दिक्कत आती, होता ये, ईड स्तुतो धातु जानते हैं, हम समझा देते हैं, ईड स्तुतो एक धातु है, ठीक, यह ईड स्तुतो धातु आपको अदादिगण में मिल जाएगी, ठीक है, अदादिगण की एक धातु है ईड स्तुतो, आपने शंकर भगवान का वो स्तोत्र पढ़ा होगा, शिवम शंकरम शंभुमि शानमीडे, ईडे प्रयोग करते ना, तो नौमीड्यते, वहां ईड का प्रयोग किया, वही ईड स्तुतो धातु का है, ठीक है। तो ईड स्तुतो धातु का रूप कैसे चलता है, आत्मनेपदी है, ईडे, ईडे मतलब आप समझ रहे हैं कि, यानी ये आत्मनेपदी वाला प्रयोग है, तो ईड धातु के बाद यदि आपको आत्मनेपद का प्रत्यय लगाना है तो त आताम झ प्रत्यय लगाना है, ईड त, ठीक, त में जो अ जुड़ा हुआ वो धातु की प्रक्रिया भी आपको नहीं पता है, धातु जब भ्वादि इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां धातु की प्रक्रियाएं समझाएंगे। सामान्य नियम है टित आत्मने पदानाम टेरे, टित आत्मने पदानाम टेरे, उस नियम के आधार पर इस त में जो अ है उसके जगह पे हो जाता है ए, जैसे ए धते में त प्रत्यय था ना, ए धातु से त प्रत्यय लगा लेकिन बन गया ए धत नहीं बना, ए धते बन गया, त में जो अ है उसी के जगह पे ए हो जाता है, टित आत्मने पदानाम टेरे से, ठीक, ए धते ए धेते ए धनते सब जगह ए ए ए दिखाई पड़ेगा, अंतिम टी भाग को ए हो जाया करता है, यह लट लिट लुट लेट लोट इन सभी लकारों में, ठीक, टित लकारों में,
लंग इत्यादि लकारों में नहीं, लंग लकार में तो अईधत ऐसा ही रह जाएगा, ठीक, अईधिष्यत त त ही रह जाएगा, ते नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए ईड धातु से ते हो गया, ईड धातु से ते हो गया। अब बताइए ये खर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, खरी च से ड के जगह पे हो जाएगा उसी वर्ग का पहला वर्ण ट, ठीक, इड टे, इड नहीं इट, इट ते। यहां जो ईट है वह कोई पद नहीं है, पद है क्या, पद का अंतिम वर्ण तो नहीं है, यह तो एक धातु है, यह धातु के बाद जो प्रत्यय लगा हुआ है वह प्रत्यय लगने के बाद जो बनेगा वह पद बनेगा, ईट तो पद नहीं है, मूल रूप से धातु है। तो धातु के बाद, अच्छा षट पद था पर ईट पद नहीं है, क्यों, षट में जस प्रत्यय लगकर षटभ्यो लुक से जस प्रत्यय का लुक हो गया था, तो जो षट बचा था वो षट एक प्रकार का पद था, पर ईट कोई पद नहीं है, ठीक, धातु है यह। सुप्तिगंतम पदम से भी पद संज्ञा नहीं होगी, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से भी नहीं होगी, क्योंकि सु आदि प्रत्यय नहीं है यह, यहां धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय है, प्रातिपदिक के बाद लगने वाला प्रत्यय नहीं है, यहां नह के भी नहीं लगेगा क्योंकि नकारांत शब्द भी नहीं है, कच प्रत्यय भी नहीं है, यहां सिति च भी नहीं लगेगा क्योंकि ये जो तो प्रत्यय लगा वह सित नहीं है, ठीक। तो यानी ईट पद नहीं है, ईट जो है यह पद नहीं है, यानी पदांत टवर्ग नहीं मिल रहा है। यदि आप सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए, संभावना कीजिए कि सूत्र में पदांतात न कहा होता तो खाली क्या हो जाता, नटोह अनाम, नटोह अनाम, ऐसा होता है कि टवर्ग के बाद आने वाले सकार तवर्ग का, टवर्ग के बाद आने वाले सकार और तवर्ग के स्थान पर टुत्व नहीं होता, खाली इतने अर्थ रहता। तो यह भी टवर्ग है, उसके बाद आ रहा है सकार या तवर्ग, उसके स्थान पर स्तुत्व नहीं हो पाता, यदि पदांतात न कहे होते तो। पर सूत्र में पदांतात कहा गया है, यह पदांत नहीं है, इसलिए स्तुत्व का निषेध यहां पर नहीं हो पाएगा, ता के जगह पे ट हो जाएगा, इट टे इस तरह बन जाएगा, रूप बनता है इटे इडाते इडते, इटे इडाते इडते, ऐसा तो रूप बनता है, ठीक है, स्पष्ट है। तो यह पदांत नहीं था, इसलिए तो पदांतात क्यों कहा गया, क्यों पदांत कहा गया, क्योंकि यदि पदांतात न कहे होते तो ईटे में भी ईटे न बनता, ईटते बन जाता, त रह जाता, ठीक, यदि पदांतात न कहे होते तो, स्पष्ट है, ठीक है। तो आगे चलते, आगे क्या दिया, सर्पिष्टमम, सर्पिष्टमम, यहां देखिएगा, सर्पी एक शब्द है, कौन सा शब्द है, सर्पी, और उससे सर्पिस शब्द से, सर्पिस शब्द से कौन सा प्रत्यय लग गया, तमप, ठीक, तमप प्रत्यय लग गया, तमप में से बचता है तम, तो सर्पिस तम, सर्पिस तम, ऐसा हुआ। अब यहां जो सर्पिस है वह तम प्रत्यय लगे होने के कारण पद संज्ञा नहीं होगी, ठीक, और पद संज्ञा नहीं होगी तो, अच्छा यहां पदांता नहीं, पद संज्ञा तो होगी, पद संज्ञा होगी, क्योंकि यह है तमप प्रत्यय जो है वह तमप प्रत्यय भी पहला वर्ण उसका हल वर्ण है ना, तो स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाएगी, है ना, द्विवचन विभज्योप नहीं, अतिशयने तमभिष्ठनौ से जो तमप प्रत्यय लगा है, देखिए है शब्द, शब्द कौन सा है, सर्पिश, हम इस तरह बताते हैं, और फिर उसके बाद है तमप, तमप प्रत्यय लगा है, तमप में से बचा है तम, ठीक, अतिशयने तम, अतिशयने तमभिष्ठनौ, इस सूत्र से तमप प्रत्यय लगा, अब सर्पिश तम ऐसी स्थिति है कि नहीं,
प्रश्न उठा रहे हैं टोह इति किम, क्या टोह किम, न पदांता टोर नाम। इस सूत्र में यदि टोह न कहा होता, यदि टोह न कहा होता तो पदांतात अनाम हो जाता है ना। टोह न कहे होते तो पदांत सकार टवर्ग दोनों का ग्रहण हो जाता, टोह न कहे होते तो सकार का भी ग्रहण हो जाता है ना। तो उसके तुरंत बाद देख लीजिए पदांत है यहां स, टोह ना कहे होते तो ये हो जाता ना। टोह कह देने के कारण केवल टवर्ग होगा तभी स्तुत्व का निषेध होगा, यहां टवर्ग नहीं है पद का अंतिम वर्ण, टवर्ग नहीं है इस कारण यहां पर ताको टा होना नहीं रुकेगा। यदि यही सर्पिश की जगह सर्पिट होता तो ये ताको टा नहीं हो पाता क्योंकि पदांत टवर्ग मिल जाता, पर यहां पदांत टवर्ग नहीं है तो टोह कहने का यह फायदा मिला। यदि टोह ना कहे होते तो सर्पिष्टम में भी स्तम सर्पिष्टम रूप बनने लग जाता, सर्पिष्टम बनने लग जाता, त तो बन जाता, स्तुत्व का निषेध हो जाता। टोह कह देने के कारण केवल टवर्ग के बाद का ही सकार तवर्ग का निषेध हुआ है ना। टोह न कहते तो स के बाद वाले का भी निषेध होने लग जाता, ठीक है। तो टोह किम का भी उदाहरण आप समझ गए होंगे, सर्पिष्टम वाला, ठीक है। इसके बाद अब रही बात अनाम की, ठीक। अब आ जाइए वार्तिक पर। एक अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम। ये वार्तिक होता क्या है, किसी ने एक बार पूछा था कि वार्तिक होता क्या है, मैंने कहा था कि अब कभी वार्तिक आएगा तो बता देता। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। जहां पर उक्त अनुक्त और दुरुक्त की चिंता की जाती, कुछ सूत्र में उक्त हो गया, सूत्र में कुछ कह दिया गया है तो वह कहा गया चीज उचित है कि अनुचित है इसका चिंतन किया जाता है, या सूत्र में कहने से कुछ छूट गया है तो वह कह दिया जाता है, या सूत्र में कुछ गलत ढंग से कह दिया गया है तो सुधार कर नीचे एक। देखिए कात्यायन जी की यह प्रामाणिकता थी भगवान कात्यायन की कि उन्होंने भगवान पाणिनि के सूत्र में एक भी शब्द का बदलाव नहीं किया, ठीक। आजकल तो लोग बदलाव ही करने लग जाते हैं, ठीक है। आजकल लोग क्या करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि ये जो कहा है ये तुलसीदास जी कह ही नहीं सकते, तुलसीदास जी का यह कथन नहीं है, इसको ऐसे बदलो, है ना, बदलने लग जाते हैं अपने मर्जी से। पर कात्यायन जी जैसे प्रामाणिक, ये एक परेशान कर रहा है, कात्यायन जी जैसे प्रामाणिक जो आचार्य हैं वह आचार्य स्वयं क्या कर रहे हैं, वह आचार्य स्वयं भी इतना ध्यान रखिएगा कि अभी अब ये आएंगे तो इनको हम 4 रन का प्रहार कर देंगे। हाँ, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रामाणिक आचार्य होते हुए भी उन्होंने कभी भी पाणिनि जी के सूत्र में बदलाव नहीं किया, खाली सुझाव दिया कि सूत्र में ऐसे बदलाव कर सकते थे, ठीक है, अब ये समीप नहीं आएंगे, जाओ प्रभु प्रणाम आपको। हाँ, तो अब फिर क्या हुआ, इनको यहां प्रकाश मिल रहा है ना, इसलिए आ रहे हैं, और चारों तरफ अंधेरा है, यहीं पर प्रकाश है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये कात्यायन जी ने कभी बदलाव नहीं किया है ना, खाली सुझाव दिया कि भगवान पाणिनि जी को इस जगह पर ऐसा कहना चाहिए था, भगवान पाणिनि जी को इस जगह पर कैसा कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, ये ऐसा खाली सुझाव दे देते हैं, ठीक है, ये केवल सुझाव दे देते हैं। हाँ, तो हम सोचे इसी ढक्कन से उनको ढक देंगे, वो उड़ेंगे नहीं थोड़ी देर तक, लेकिन उड़ गए पहले ही। चलिए प्रभु आप जाइए। तो अब
केवल सुझाव दिया है। यहां देख लीजिए, वह सूत्र में भी बदलाव कर देते कि पाणिनि जी आपने खाली अनाम कहा, पर बदलाव नहीं कहा किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाम को क्या कर ये जो महापुरुष हैं आज बहुत देर से बाधा उत्पन्न कर रहे, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अनाम की जगह पर अनाम नवति नगरी नाम कह देना चाहिए था, ठीक। पाणिनि जी को सूत्र में अनाम नहीं कहना चाहिए था, अनाम नवति नगरी नाम कह देना चाहिए था, ठीक है। क्या कह देना चाहिए था, अनाम नवति नगरी नाम। नाम, नवति और नगरी, इन तीनों शब्दों से भिन्न कोई शब्द होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए था पाणिनि जी को, ठीक है प्रभु। ये तो बार बार हमारे तरफ ही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप प्रहार कीजिए। हाँ, तो नाम, नवति और नगरी, ये तीनों शब्द से भिन्न कोई शब्द होना चाहिए। अच्छा, ये लिख भी रहे हैं इसी पे बैठ बैठ के, कोई बात नहीं, लिखिए। तो यहां देखिएगा, सूत्र के आधार पर केवल इतना पता चला आपको, थोड़ा धैर्य से, सूत्र के आधार पर इतना पता चला कि नाम नहीं होना चाहिए। तुरंत बाद में पदांत टवर्ग के बाद क्या नहीं होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, ठीक। पर वार्तिककार ने कहा कि सूत्र में जो अनाम कहा है वह अनाम नहीं होना चाहिए था, अनाम नवति नगरी होना चाहिए था। यानी तुरंत बाद में नाम, नवति और नगरी ये तीनों शब्द होंगे तो भी जो स्तुत्व का निषेध हो रहा था वह निषेध नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, ऐसा खाली सुझाव दे दिए उन्होंने। संयोगांतस्य लोपा सूत्र में भी केवल कह दिया कि लोप कर तो करो, कोई बात नहीं, यण प्रतिषेधो वाच्य, ऐसा सुझाव दिया कि जो लोप हो रहा है संयोगांतस्य लोपा से वह यण का प्रतिषेध हो जाता, यण का लोप नहीं हो पाता, ठीक है। किसका लोप नहीं हो पाता, यण का लोप नहीं हो पाता, ऐसा उन्होंने केवल क्या कह दिया, सुझाव दे दिया, ठीक है। तो ये सूत्र में बदलाव नहीं करते। महाभाष्य में ऐसा प्रसंग आया है कि आचार्य गण सूत्र को लिखने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं करते। पहले आचार्य के मन में आया, आचार्य ने देखा कि हाँ ये होना चाहिए, तो उन्होंने वह लिख दिया। फिर बाद में हो सकता है कात्यायन जी को कोई ऐसा उदाहरण मिल गया हो, भगवान पाणिनि जी को केवल शरणाम उदाहरण हो सकता है दिखाई पड़ा रहा हो, तो उन्होंने अनाम कह दिया। पर बाद में कात्यायन जी को शरणवती दिखाई पड़ गया, शरणनगर यह दिखाई पड़ गया, तो उन्होंने नवती और नगरी भी जोड़ दिया उसी में, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम। नाम, नवति और नगरी ये तीनों शब्द यदि तुरंत बाद में होंगे तो जो नपदांता टोर अनाम से जो स्तुत्व हो रहा है वह स्तुत्व नहीं हो पाए, वह जो स्तुत्व का निषेध हो रहा है वह निषेध नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए, षट धन नाम का हमने षण नाम बनाकर दिखा दिया है, पर यदि षट धन नवति होता तो क्या होता, षट नवति, ठीक, पट फिर भी रह गया ये षट नवति, ठीक, षट धन नवति ये होता। तो होता क्या, तुरंत बाद में न पदांता टोर नाम पदांत है कि नहीं, पदांत टवर्ग के बाद सकार या तवर्ग आता हो तो उस सकार या तवर्ग के स्थान पर स्तुत्व नहीं होता, ठीक, नपदांता टोर नाम इस नियम के आधार पर। पर स्तुत्व नहीं होता ऐसा नपदांता टोर नाम ने कहा, पर कहा नहीं भाई, वहां उसमें केवल नाम शब्द को आरक्षण दिया था कि नाम शब्द होगा तब तो हो जाएगा, पर कात्यायन जी ने कहा नाम नहीं, नाम के साथ साथ नवति और नगरी को भी जोड़ लीजिए आप, तो नवति शब्द भी है तो भी स्तुत्व
जो निषेध हो रहा था वह नहीं निषेध हो पाएगा, श्रुत्व हो जाएगा। पहले स्टुनाष्टुह ने कहा कि यहाँ श्रुत्व कर दीजिए, स्टुनाष्टुह क्या कहा, श्रुत्व कर दीजिए, पर नपदांता टोरनाम ने कहा कि यहाँ नहीं, श्रुत्व नहीं होगा। फिर वार्तिक जी आ गए, का अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, नाम नवति और नगरी शब्द को छोड़ देना चाहिए निषेध में, तो निषेध में नवति को भी आरक्षण मिल गया, ठीक, तो नवति के ना को हो जाएगा ना, ठीक, नवति बन जाएगा, और ट को भी ना हो जाएगा, अभी जैसे षणनाम में किया था वैसे ट को भी ना कर लेंगे तो बन जाएगा षणनाम, षणनवति, षणनवति, षणनवति मतलब क्या होता है, 96, ठीक है, षणनवति मतलब 96। फिर इसके बाद षट नगर्य, षट नगर्य, तो वैसे ही षट बहुवचन है इसलिए नगरी का नगर्य बहुवचन वाला रूप प्रयोग कर रहे हैं, षट नगरी नहीं कहेंगे, नगरी थोड़े एक वचन होता है, नगर्य, षट नगर्य, छह नगरियां। तो अब यहां पर भी नगरी के ना कोणा हो जाएगा, षट नगर्य, टा कोणा करके षण नगर्य बना लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। तो यहां तक आपने समझ लिया, तो जो चार सूत्र हमने अभी तक समझे हैं उन चारों सूत्रों का थोड़ा सा सार यदि बता दूं मैं आपको, तो थोड़ा सा सार यह होगा, स्तो चुना चुह ने कहा सकार तवर्ग के बाद या पहले कहीं भी शकार या चवर्ग का योग हो तो सकार तवर्ग अपने बड़े भाइयों जैसा, मतलब शकार चवर्ग जैसा हो जाया करता है, ठीक, उस रूप में परिवर्तन ले लिया करता है। फिर सात ने कहा नहीं, श के बाद यदि चवर्ग आ रहा है, श के बाद यदि तवर्ग आ रहा है तो उसको चुत्व नहीं होता, ठीक, तो ठीक है, सात उसने रोक दिया। फिर स्टुनाष्टुह केवल केवल वही विष्णा प्रश्न इत्यादि उदाहरण देख, फिर स्टुनाष्टुह हमने समझा कि शकार और टवर्ग के साथ योग होता है तो वो शकार टवर्ग बन जाया करता है, उसको भी न पदांता टोर नाम ने कुछ अंशों में रोक दिया, यदि पदांत टवर्ग है तो नहीं होगा, पर नाम नवति और नगरी शब्द हैं तो हो जाएगा, ठीक, इतना सारा आपने समझा। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है वह सूत्र है तो यही है ना, तो बहुत सिंपल है, इस सूत्र को भी बता देते हैं, इसके और भी उदाहरणों की कल चर्चा कर लेंगे, खाली उदाहरण बता देते, ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो 41 नंबर सूत्र था स्टुनाष्टु, 42 नंबर सूत्र था न पदांता टोरनाम, ठीक, और 43 नंबर सूत्र है तो शी, तो यहां न पदांता टोरनाम से न की अनुवृत्ति आ जाएगी, वहां टोह कहा था, वहां टोह कहा था तो यहां तोह कह दिया, यानी टोह की बात नहीं आएगी, ठीक, यहां यहां तोह कह दिया यानी टोह की बात अब नहीं रह जाएगी ना, तो ये समझिएगा जब टोह की अनुवृत्ति नहीं आएगी केवल तोह रह गई, तो तवर्ग के बाद, तो मतलब तवर्ग के बाद यदि श आता हो, तवर्ग के बाद यदि श आता हो तो भी स्टुनाष्टुह नियम लगना चाहिए ना, पहले श हो चाहे बाद में हो, शकार या टवर्ग में से तो कोई योग है ही, तो तवर्ग के बाद यदि श आता हो तो भी स्टुत्व नहीं होता, ठीक, न की अनुवृत्ति आ रही है, यानी यह भी निषेध ही कर रहा है। जैसे उदाहरण दे दीजिए, सन षष्ठा, ठीक, सन षष्ठा, अब यहां देखिए पदांत तवर्ग है कि नहीं, पदांत हो चाहे ना हो, यहां मान लीजिए तवर्ग है कि नहीं, ठीक, यहां पदांतात की अनुवृत्ति नहीं आएगी, टोह की जब नहीं आ रही तो पदांतात की भी नहीं आएगी, उसी का विशेषण था विशेष विशेषण, वहां टोह की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो उसके विशेष की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं, तो देख लीजिए सन षष्ठा, सन षष्ठा,
या अनुवृत्ति ले आएंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादातर उदाहरण जो दिया है वह उदाहरण तो पदांत का ही दिया है। ठीक, सन एक पद है, षष्ठा एक पद है, छठा होते हुए, सन मतलब होते हुए, छठा होते हुए, तो यहाँ पदांत तवर्ग ता है कि नहीं तवर्ग, उसके तुरंत बाद श है, तो ष्टुनाष्टु से पहले हो जाना चाहिए था श्रुत्व, पर तो शीने का तवर्ग के बाद श आता हो तो श्रुत्व नहीं होता, केवल श आता हो तो टठ डढ़ाना यहाँ होता तो सन टकारा होता तो क्षण टकारा हो जाता। ठीक, यदि टकारा होता, ठीक, ये कोई दूसरा टा से शुरू होने वाला होता तो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तवर्ग को श परे होने के कारण इसको श्टुत्व नहीं हुआ, बन गया सन षष्ठा। कुछ और भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं कई लोग, ठीक, इनमें से हमने गिना प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था पंचमा षष्ठा, हम ऐसे कह देंगे भवान षष्ठा, है ना, भवान षष्ठा, हाँ इनको भी कह सकते हैं भवान षष्ठा, ये भी षष्ठ हैं, छठे, ठीक, आप भी षष्ठ है ना, तो ऐसे कह दिया, क्या कह दिया हमने, भवान षष्ठा, ठीक, भवान षष्ठा। अब देख लिए तो तवर्ग है यहां, ठीक, तवर्ग है और फिर इसके तुरंत बाद श है, तो सी लग जाएगा, श्रुत्व नहीं हो। ठीक, अब चलिए षष्ठा नहीं बनाते हैं, बीच में एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, आपने वीडियो देखा होगा, बनारस की गली में एक कोई सांड पर बैठ के चल रहा है ना, देखा है, सांड पर बैठ के चल रहा है, बढ़िया एकदम बुलेट की स्पीड में चल रहा था वो, है ना, बढ़िया एक बनारसी सांड पे बैठ गया और उसका कान ऐठा होगा गाड़ी की तरह, अब वो खूब दौड़ाया, वो उस पर बैठ के वो दौड़ रहा है एकदम से, है ना, तो अब सांड को षंड भी कहते हैं संस्कृत में। अब मान लीजिए वो व्यक्ति मेरे सामने होता तो मैं उसको क्या कह देता, भवान षंडे उपविष्ट अस्ति, कह सकते थे कि नहीं, भवान षंडे, आप कहें कि षष्ठ है उदाहरण दे रहे हैं गुरुजी, तो हम षंडे कह देते हैं, ये संडे वो वाला नहीं, रविवार वाला जो कल था, ठीक ठीक, तो षंड, षंड कहते हैं सांड को, षंडे मतलब सांड पर, सांड पर आप बैठे हैं ऐसा कह रहे हैं, तो ठीक, तो ऐसे यहां भी तो उसी लग जाएगा, ठीक, अथवा बहुत बड़े सांड पर बैठा था ना वो, बहुत बड़े सांड पर बैठा था, तो महत महति संडे, महति संडे था, महत सप्तमी समास करने के बाद जब विभक्ति का लोप करने के बाद संड बचेगा तो महत संड, यहां महत संडे बचेगा, महत संडे, महत टा नहीं होगा तो ही रह जाएगा, महत संडे, यानी तवर गए उसके बाद श हो तो श्रुत्व नहीं होता, यह निष्कर्ष है तो शी का, ठीक है जी, हाँ बंद पढ़ तो रही है, महत संडे, महत संडे, महत संडे, अब बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नियम नहीं कहता यहां श्रुत्व करने का, ठीक है, अपवाद तो है ही, विशेष सामान्य विशेष नियम जो हमारे शास्त्रीय उदाहरणों में मिलते हैं उन्हीं के आधार पर तो चर्चा करेंगे भगवान पाणिनि जी, उन्हीं के आधार पर तो नियम बनाएंगे। अब चलिए मान लीजिए यही किसी, हमने तवर्ग का दो उदाहरण दिया, हमने कहा किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण यदि शब्द है तो वो या तो पहला वर्ण होगा या तो तीसरा होगा या तो पांचवा होगा, तो भवान महान है ना, सन इत्यादि न का उदाहरण दे दिया, महत त का उदाहरण दे दिया, द का नहीं दिया ना, द वाला शब्द कौन सा है, चले सुहृद, सुहृद मतलब मित्र, इन्हीं में से कोई लाइन में छठे नंबर पर हमारा मित्र बैठा होता तो हम कह देते सुहृद षष्ठा, है ना,
सुहृद षष्ठा, मित्र है छठा। ये जो छठा है ना वो सुहृद है, ठीक है। तो सुहृद षष्ठा, तवर्ग है द, तवर्ग है ना द, उसके तुरंत बाद षष्ठा का श है, तो शी नियम लग जाएगा, द के स्थान पर ड नहीं हो पाएगा, ठीक। नहीं तो सुहृद सुहृद षष्ठा होने लगे, ड बनाने लगे, हृद बन जाता हृद, ठीक होने लगता ना, पर नहीं होगा। ये है तोह शी, तोह शी, तवर्ग के बाद यदि श पड़ता हो तो स्तुत्व नहीं होता, इतना ही इसका निष्कर्ष है। तो हमने स्तुत्व संधि और स्चुत्व संधि, ये दो प्रकार की संधियां पढ़ी। स्चुत्व संधि का निषेध करने वाला जो सात सूत्र है वो पढ़ा। देखिए सामान्यतः हमने बताया आपको, सामान्यतः सकार तवर्ग का उसके बड़े वर्गों के साथ योग होने पर वह अपने बड़े वर्ग वाले रूप में बदल जाया करता है, ठीक। छोटा सा बड़े में बन जाता है, षटकोण वाले समय के रूप में बदल जाता है। परंतु ये जो है ना, श के बाद यदि तवर्ग आता है तो सात नियम उसको रोक लेगा, विशेष परिस्थिति। सामान्य नियम ऐसा बता दिया, विशेष नियम ऐसा बता दिया, ठीक है। जिसे कह दिया सबको भोजन करा दो, लेकिन आज सोमवार किसी का व्रत भी होगा, फलाहारी लोगों को फलाहार करा दो, तो फलाहारी लोगों को आहार नहीं मिलेगा, है ना, हम जैसे लोगों को। तो सबको भोजन हो गया, अभी श्राद्ध पक्ष चल भी रहा, बहुत सारे लोगों को भोजन हो रहा होगा, पर हम जैसे लोग फलाहारी है ना, तो ये क्या होगा, ये फलाहार वाला नियम जो है ना वो विशेष नियम को रोक लेगा, सामान्य नियम को ये विशेष नियम रोक लेगा। तो श के बाद यदि तवर्ग आएगा तो स्तुत्व नहीं होगा, ये सात सूत्र ने रोक लिया, स्तुत्व नहीं होगा, ठीक। पर शकार टवर्ग के साथ योग होगा तो शकार टवर्ग हो जाएगा, ऐसा कहा स्टुनाष्टु ने। न पदांता टोरणाम ने कहा, नाम नवती और नगरी को छोड़कर सब जगह यदि पदांत टवर्ग के बाद आता है तो निषेध हो जाएगा, पदांत तवर्ग के बाद यदि श आता है तो भी निषेध हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपने स्पष्टता समझी। इसके बाद अब जस्त्व संधि का विषय शुरू होगा, जो जस्त्व संधि का विषय हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे, आज इसको यहीं रोकते हैं, नहीं तो हमारे डब्बा जी सो जाएंगे, ठीक है। डब्बा जी मतलब ये लैपटॉप जी एकदम डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः।